सो हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं मिल्क शेक। तो उसके लिए मैंने ले ली है पहले क्या बोलते हैं इसको, मिक्सी। मिक्सी नहीं, मतलब समझ लो इसमें खुद हाथ से करना होता है। और अभी मैं निकाल रही हूँ बनाना, जिसको मैं छील रही हूँ और इसको पील करके मैं फेंक रही हूँ डस्टबिन में। और पीछे से मेरी मम्मा आ गई। सो अभी मैं चाकू ले रही हूँ और चाकू से अभी इसको काट रही हूँ, और जो गंदा हिस्सा है उसको मैं डस्टबिन में फेंक रही हूँ, देख सकते हैं आप। और अभी हम इसको डालेंगे, मैंने फिर से भूल गई, मशीन। हाँ, बनाना हमने काट लिया है, बनाना हमने काट लिया। अब हम लेंगे मशीन में इसको काट के डालेंगे चाकू से, पीस 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 कट करके। सो ये मैंने किए हैं यहाँ पे पीस, आप देख सकते हो कितने पीसेस कर रही हूँ मैं। दो तीन तीन चार पाँच छः सात आठ, देख सकते हो कितने सारे पीसेस कर रही हूँ। और मैंने अभी पीसेस कर दिए हैं, तो अभी मैं निकाल रही हूँ फ्रिज से दूध। सो ये आ चुका है दूध। सो इसको मैंने रख दिया साइड पे फ्रिज बंद करके, और अभी हम इसका ढक्कन उठा गई। और अभी मैं इसको भूख मारी कि इसकी मिलाई ना आए। और अभी आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसको, दूध को इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी चीनी। दूध को मैं रख दिया साइड पे, और अभी मैं सोच रही हूँ क्या डालूँ क्या डालूँ। और अभी मैं डालूँगी चीनी। मैं ले आई हूँ चीनी, तो आप कहाँ गई चीनी? हाँ, मैं ले आई हूँ चीनी, तो आप देख सकते हो चीनी ऐसे। ये मैं चीनी डाल रही हूँ इसके अंदर, आप देख सकते हो। मैं 3 स्पून चीनी डालूँगी इसके अंदर, देख लीजिए। तो हमने चीनी डाल दी है, अब हम इसको साइड पर रख देंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़े से पीनट्स और थोड़े से बादाम। ये दोनों डालने के बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। पहले तो हम वो डाल देते हैं। अभी मैं निकाल रही हूँ अपना बॉक्स, वो डब्बे वाला। निकाल लीजिए। हाँ, निकाल दिया। मैंने बॉक्स अपना निकाल दिया। अभी मैं इसका ढक्कन खोल रही हूँ। अभी मैं इसका ढक्कन डब्बा खोल दिया है। अभी मैं इसको खोल रही हूँ पूरा, और आप देख सकते हो इसके अंदर क्या क्या। ये गोल गोल बॉल जैसी है, पीनट्स हैं और बादाम है। आप देख सकते हो। अब मैं ये डालेंगे हम इसके अंदर, और थोड़े से पीनट्स भी डाल देंगे इसके अंदर। ये नहीं नहीं और थोड़े से खुद भी खा लिया। अभी हम इसको करेंगे बंद डब्बे को, और इसके बाद हम करेंगे इसको मिक्स। अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लग रही हो, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, थैंक यू। और अभी हम इसको बंद करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर रही हूँ क्योंकि ये फंस गया था इसके अंदर। करो करो करो, कर दिया। अब मैं इसको मिक्स करूँगी बंद करके। अभी ये मिक्स हो रहा है, आप देख सकते हो। इसको ऐसे ग्राइंड कर रही हूँ मैं, मतलब ऐसे पकड़ के, ऐसे ये नीचे ही नहीं जाता है ना कभी कभी, इसीलिए ऐसे करना पड़ता है। आप देख सकते हो मैं मिक्स कर रही हूँ। ये मैं बना रही हूँ, ये आप सोचो मैं क्या बना रही हूँ, वो आप सोच सकते हो कि मैं क्या बना रही हूँ। और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा ये पता चल के कि मैं क्या बना रही हूँ। हाँ, आपको बहुत मज़ा आएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। आप देख सकते हो मैं क्या बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, बताओ ना क्या बना रही हूँ। नहीं समझ आया क्या बना रही हूँ, क्या ही बना रही होंगी, बनाना मिल्क शेक बना रही हूँ मैं तो। अभी हम इसको ग्राइंड कर रहे हैं, और ये ग्राइंड ही नहीं हो रहा है, ये बंद ही नहीं हो रहा है। इसको मैं हिला ही जा रही हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है ये। अभी मैंने फिर से वीडियो चालू कर दी, लेकिन अभी भी नहीं हो रहा है क्योंकि इसके अंदर बादाम फंस रहे हैं जो मैंने ऐसे ही डाल दिए थे। और अभी मैंने इसको बंद किया, और मैं फिर से इसको मिक्स करूँगी। अब मैं इसको तेज़ तेज़ करूँगी कि ये बंद हो जाए। कितना तेज़ तेज़ करी, मेरा हाथ हिल रहा है पूरा, मेरा हाथ अभी भी दर्द कर रहा है, देख सकते हो।
ये बादाम फंसा है जो मैं निकाल रही हूँ, और अब इसको हम फिर से करेंगे और फिर से हम इसको बंद कर देंगे और इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो हमारा बनाना है ना मिल्क शेक रेडी हो चुका है। सो अभी हम ये जो ऊपर जो होता है ढक्कन इसको निकाल देंगे, और जो कटर है जिससे ये कटता है उसी को भी निकाल देंगे। और अभी मैं ले इसको रख दूँगी वॉश बेसिन में, क्योंकि इसको धोना पड़ेगा और यहाँ पे गंद मच रही है इसीलिए। सो अब मैंने लिया है एक गिलास जिसमें मैं ये डालने वाली हूँ और पीने वाली हूँ। सो मैं ये डाल रही हूँ इस गिलास के अंदर, आप देख सकते हो। सो मैंने ये डाल दिया इस गिलास के अंदर और ये थोड़ा सा फिट नहीं आया तो मैंने इसको ऐसे ही पी लिया। सो लाइक कीजिए, बाय।